प्रबंधन, ये भूजल सत्ता हमेशा मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 70 सालों से जो नहीं हुआ है, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है। ये स्वच्छता अभियान जिस प्रकार जन आंदोलन बन गया है, उसी तरह भूजल यानी जल प्रबंधन ये जन आंदोलन के रूप में लेता जा रहा है। आज पूरे समाज के लोग, गांव, गरीब, किसान यानी आदिवासी, सभी लोग जल प्रबंधन के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे गांव-गांव से लोग निकल कर आ रहे हैं जो जल संचय कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां जल नहीं मिलता था, आज वहां हमारे हैंड पंप नहीं छोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में जो जल स्तर बिल्कुल डाउन हो गया था, आज वो जल स्तर 10% बढ़ गया है, यानी जल स्तर ऊपर आ गया है। और छुट्टा सिंगारतन मैं दौड़ा किया था, देखा कोई भी हैंडपम्प गर्मी में भी नहीं छोड़ा, केवल चेक डैम और इस सब बनाने के कारण सरकार, संगठन और समाज जिस प्रकार लगा है, और भूजल स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है। बुंदेलखंड में आज जो सबसे खराब स्थिति थी, आज भूजल स्तर ठीक हो रहा है। हमारे लगभग 10 जनपदें, 25-26 लगभग ब्लॉक हैं, 550 ग्राम पंचायतें हैं, अब इन गाँव में भी भूजल स्तर मेरा ठीक है। जो डार्क जोन में लिया गया है पानी स्तर, यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ भी अब कि कैसे जल स्तर यहाँ के ठीक हो और समाज पूरा जुड़े, यानी प्रधान है, सेक्रेटरी है, ग्राम समिति है, स्वच्छता समिति है, सभी लोग इस विषयों पर, इस बिंदु पर कैसे हम अपने तालाबों को सुरक्षित रख सकता हूँ, तालाब में जल संचय कैसे हो सकता है। और नारा जो दिया है कि खेत खेत में, मेड़ मेड़ पर पेड़, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। पहले माताएं हमारी स्नान करती थी तो बाड़ा में ही पानी वो सुरक्षित रहता था और ज़मीन के अंदर वो पानी जाता था। आज जो नहाने धोने का पानी है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वह जल कैसे सुरक्षित रहे कि नाला के माध्यम से, सीवर के माध्यम से वह पानी बाहर न जाए। जो पानी थोड़ा अच्छा हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, उस पानी को कैसे हम सुरक्षित रखें, साफ़ सुथरा करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करूंगा कि जल, जैसे ट्यूबवेल खोलकर मोटरसाइकिल धोते हैं, भैंस को धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं।